आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली जस्ट आज मैं आया हूँ आप लोगों को कुछ नए ट्रिक्स लेकर। अगर आपका विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका स्लो चल रहा है और पुराना विंडोज 7, 8, 9, 10 है, ओल्ड वर्जन है और स्लो चल रहा है, तो उसको कैसे फास्ट करें, तो उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स अभी आपको मैं बताऊँगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में। आप इसको ध्यान से देखिए। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। ओके देन नाउ स्टार्ट। ओके गो टू द सर्च बार। ओके यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके देन टास्क मैनेजर। ओके ये नई विंडो आपको ओपन हो के आ गई जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिए, गो टू, यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर डिटेल्स एंड सर्विस। ये आपके दिख रहे हैं ऑप्शन। आप यहाँ पर स्टार्टअप पे जाइए, ये आपको दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है। ओके स्टार्टअप पे जाएंगे तो आपको ऐसे विंडो, आपकी जो भी बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो विंडो मैंने इनेबल कर रखा है वो इनेबल है, जो डिसेबल कर रखा है वो डिसेबल है। ओके तो आप अपने सिस्टम पे जाइएगा, जब स्टार्टअप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। ओके देन आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम पर, जितने भी एप्लीकेशन, उसको आप इनेबल कर दीजिए। जैसे मैंने एडोब को कर रखा है बट एलेक्सा को मैं डिसेबल कर रखा हूँ। ओके आप ये देख सकते हैं, ये सारा ऐप मैं डिसेबल कर रख सकता हूँ। क्रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ राइट टाइम, दैट्स वाई ये इनेबल कर रखा हूँ। ओके तो और इसको डिसेबल कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। सपोज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एज अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनेबल है, देन इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। आप देख ले सकते हैं कि ये डिसेबल हो गया है इस समय। ओके यहाँ पे आगे आ जाइए आप, माइक्रोसॉफ्ट टीम देखिए मैंने डिसेबल कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इनेबल है, पीडीएफ इनेबल एंड फोन लिंक, इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता अभी। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसेबल कर रखी है। ओके देन क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आप अपने विंडोज़ को, लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दीजिए, आपका पहले से बेटर चलेगा। ओके अगर ये ट्रिक आपका काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको एक दूसरा सेकेंड ट्रिक भी बताता हूँ जो बहुत ही आसान है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्च बार में चाहिए एंड देन विंडोज अपडेट सेटिंग में जाइए। ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है आप देखेंगे ये मैं विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही ओपन होके आएगा। आप पुश कर यहाँ पे इसको अपडेट कर लीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हैं और इसमें कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ नए एप्लीकेशन अगर कंपनी ने लॉन्च किए हैं और एंटीवायरस वगैरह, तो ये अपडेट हो जाएगा जिससे कि आपका लैपटॉप सही चलेगा। ओके गाइस चलिए मैं आपको अब थर्ड ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। ये वैसे ये बहुत ही सही है, इन दोनों में ही आपका सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, बट अगर इसमें नहीं रिजॉल्व हो रही है तो मैं आपको थर्ड ट्रिक के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे कि डिसेबल अपने जो एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स है उसको डिसेबल कर देंगे, बट इसका माइनस पॉइंट ये है कि आपकी जो ग्राफिक्स है उसमें थोड़ा सा स्क्रीन का थोड़ा सा आपको लगेगा कि धुंधला दिख रहा है, बट बहुत माइनर होता है ये, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सर्च बार में जाएंगे, देन कंट्रोल पैनल। ओके यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल दिख रहा है आपको, ये ट्रिक्स थर्ड है कंट्रोल पैनल में, जस्ट अ सेकेंड। ओके कंट्रोल पैनल को क्लिक करके अंदर जाएंगे, ये आपको नई विंडो ओपन हो के आ गई। ठीक है देन हम जाएंगे सिस्टम से, ये आप देख रहा है, सिस्टम पे डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, देन आपको ये नई विंडो ओपन होके आ गई। ठीक है अब यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस
एडवांस सेटिंग में, सॉरी एडवांस सिस्टम सेटिंग, नॉट एडवांस सेटिंग। गाइस जब हम एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे जाके सर्च करिएगा, अगर आपको दिख गया तो ठीक है सिस्टम में, अदरवाइज आप यहाँ से सर्च टूल से आप जाके सर्च कर सकते हैं। ओके आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होके आ गई, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस सिस्टम प्रोटेक्शन एंड रिमोट, देन आप एडवांस पे क्लिक करिएगा एंड ये आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर, शेड्यूल मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी। ओके यहाँ पे जाके आप सेटिंग पे क्लिक करिएगा, आप देखेंगे नई विंडो ओपन होके आ गई, विजुअल इफेक्ट, एडवांस एंड डाटा एक्सक्यूज, ठीक है। देन हम यहाँ पे जाएंगे एंड आप देखेंगे इसमें चार ऑप्शन है, लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टम। आप कस्टम पे क्लिक करिएगा, देन आप जितने भी ये विजुलाइजेशन है आप इसको अन सेलेक्ट करिएगा, देन अप्लाई एंड देन ओके। ओके गाइस अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम सही चल रहा है। देन आप इसको बैक कर लीजिएगा और सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, इससे आपका 100% आपके सिस्टम पहले से बेटर चलेगा, इवन बहुत अच्छा चलेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। गाइस अगर इससे भी नहीं होता तो मैं एक ट्रिक और आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, गो टू सर्च बार, देन टास्क मैनेजर, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको टास्क मैनेजर, देन आप इस पे सर्च करिएगा, एक ऑप्शन ये आप देख रहे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, कितने भी एप्लीकेशन हमारे प्रोसेस होते हैं यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, एडोब एक्रॉड अपडेट, सेम ऐसे जेनविन सॉफ्टवेयर, तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन इसमें आपको आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी विंडोज एक्सप्लोरर लिख के आएगा। ओके तो आप उस पर अगर आप सर्च नहीं कर रहे हैं तो आप डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो एक साथ ही सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आप देख रहे हैं विंडो आरटीयू डिवाइस डिफेंडर, मैंने बंद कर रखा है बट अभी देख लेता हूँ, अगर ओपन होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये आपको ऑप्शन दिख गया विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये आप देख रहे हैं ये विंडोज एक्सप्लोरर आपको दिख रहा है, आप इसको इस पर राइट क्लिक करिएगा, देन इसको रीस्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके आपका जैसे ये रीस्टार्ट करेंगे आपका सिस्टम पहले से बेटर चलेगा। एंड देन आपको अगर गाइस ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, अगर अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर उसके बाद भी नहीं, इन चारों ट्रिक के बाद भी नहीं सही चल रहा है तो प्लीज़ बताएं, जिससे कि मैं आपको बेटर वीडियो आपको दे सकूं। ओके थैंक यू सो मच गाइस।